हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उनके लिए जिनका किसी भी बैंक में अकाउंट है, जो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड यूजर्स है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाए, टूट जाए या चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे और क्या करना चाहिए, इसी के रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, बिना स्किप करे। तो अगर मान लो आपका एटीएम कार्ड खो जाए, टूट जाए या चलती ट्रेन में चोरी हो जाए, जैसे मेरे साथ हुआ, तो फिर मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, चोरी हो जाने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, आपको अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करना चाहिए, ब्लॉक करना होगा। अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, तुरंत अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कैसे करेंगे, क्योंकि हम बैंक जा सकते नहीं, तो फिर अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कैसे होगा। खासकर जो मेरे केस में हुआ, सफ़र में 7 से 8 घंटे लगने वाले थे, उसके बाद ही बैंक जा सकता था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एटीएम कार्ड ब्लॉक करने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे किसी भी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है, सभी का अपना एक टोल फ्री नंबर होता है, जहां पर आप कॉल करके उस बैंक के एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हैं। वहीं दूसरा एक तरीका है उस बैंक की मोबाइल बैंकिंग। आजकल लगभग सभी लोग मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं। अगर आप भी एक मोबाइल बैंकिंग यूजर हैं तो आप अपना एटीएम आसानी से मोबाइल बैंकिंग से एक्टिव अनएक्टिव ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन सभी के पास मोबाइल बैंकिंग भी नहीं होती, तो फिर एक ही तरीका बचा अपना एटीएम ब्लॉक करने का, जो कि है बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ब्लॉक कर सकते हैं। अभी रही बात नंबर की कि वो आपको टोल फ्री नंबर कैसे और कहां मिलेगा, तो आप अपनी बैंक पासबुक देखें, वहां आपको मिल जाएगा, चेकबुक पर भी मिल जाता है। मगर आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो आप अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करें, वहां से आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट मिल जाएगा और आपको सही कार्ड ब्लॉक नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन 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 ऑनलाइन के चक्कर में फेक और फ्रॉड से बच के रहें, ध्यान रहे, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिखने वाली सेम वेबसाइट फेक फ्रॉड लोग बना के बैठे हैं, ध्यान से, और बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर ले, अदर वेबसाइट को इग्नोर करें, नहीं तो उल्टा आप फंस सकते हैं। तो चलिए, मैंने मेरे एटीएम को कैसे ब्लॉक किया आपको लाइव ब्लॉक करके बताता हूँ। बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके क्या हमसे डिटेल पूछा जाता है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ। तो मेरे पास मेरे बैंक का टोल फ्री नंबर पहले से मेरे मोबाइल में सेव है, तो मैं यहाँ पर गूगल सर्च नहीं कर रहा। तो कॉल लगाने से पहले वो सारा कुछ आपको बता देता हूँ, जो कि कॉल लगाने पर मैंने आगे बताया और मुझे पूछा गया। इससे पहले आपको बेसिक चीज़ें लेके बैठना है, जिसमें बैंक पासबुक, नोटबुक और पेन। आप चाहे तो मोबाइल में ही बैंक पासबुक की फ़ोटो ओपन करके रख सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में ही नोट कर सकते हैं। आपको अपना एटीएम ब्लॉक करवाने के बाद कार्ड ब्लॉक कंफर्मेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके बेस पर आप नया एटीएम कार्ड रीइशू करवा पाएंगे। तो दोस्तों, किस तरह कॉल मिलाना है और अपना कार्ड ब्लॉक करने का रीजन बताना है कि कार्ड क्यों ब्लॉक करवाना है, चलिए डिटेल में जानते हैं। कॉल लगाने के बाद कैसे क्या क्या पूछा जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, फिर मैं आपको लाइव बताऊंगा कॉल करके मेरा चोरी हुआ एटीएम ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कार्ड ब्लॉक के ऑप्शन की को प्रेस करते हुए कॉल कनेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, अपना अकाउंट नंबर देने के बाद अपना नाम पूछा जाता है, दोनों को वेरीफाई किया जाता है और हमसे कंफर्मेशन लिया जाता है कि आपका ही कार्ड है और इसे ब्लॉक करना है। और दोबारा आपसे रीजन पूछा जाता है कि आप अपना कार्ड क्यों ब्लॉक करना चाहते हो। फिर अपना बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर मांगा जाता है, देन अपना बैंक अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आगे से कंफर्मेशन आता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। और फिर बैंक कस्टमर सपोर्ट से कार्ड ब्लॉक कंफर्मेशन नंबर बताया जाएगा, वो जल्दी से सही सही नोट कर लेना है। कॉल सेंटर किंग कॉल सेंटर प्रेस 1 कार्ड ब्लॉकिंग एंड डिस्प्यूट इश्यूज प्रेस 2 इफ रिसीव्ड एसएमएस फॉर ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड प्रेस 4 अदर्स प्लीज वेट Why we are transferring your call to our executive? Welcome to Rupai Card and Referral Services. Hello. Hello. बोलिए, problem क्या है ATM कार्ड से? मेरे रात को मतलब कि ATM कार्ड चोरी हो गया है पर्स के अंदर से, तो उसको ब्लॉक करवाना है। अकाउंट नंबर बोलिए, बैंक अकाउंट नंबर। हाँ, 8300 8300 588 2। हाँ, नाम बोलिए सर। प्रवीण कुमार। ये कार्ड ब्लॉक करना है। हाँ। ओके। ये किसका कार्ड है? आपका कार्ड है सर? हाँ, मेरा ही है, प्रवीण कुमार। ये कार्ड क्यों ब्लॉक करना चाहते हो?
मैडम ये रात को मैं आ रहा था तो किसी ने पर्स मान लिया, तो उसी के अंदर था। ओके ओके ओके, मोबाइल नंबर बोलिए सर। 7413 ओके 93 सॉरी 7413960 एटीएम ब्लॉक हो गया सर, कार्ड ब्लॉक कंफर्मेशन नंबर बता रहे, कार्ड ब्लॉक कंफर्मेशन नंबर नोट कीजिए जी। बोलिए 299 299 336 336। मैडम कंफर्म कीजिए, 299 336। ये कार्ड लॉक कंफर्मेशन नंबर है, आपको नया कर चाहे तो ये नंबर 2 दिन के बाद बैंक में दीजिए, नया कर अप्लाई कीजिए सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अभी आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, बैंक द्वारा नया कार्ड, नया एटीएम कार्ड कैसे लेना है, कैसे लेते हैं, ये जानने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी, पूरा प्रोसेस में बताया जाएगा। आरएमजीबी बैंक राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने के बाद में, ब्लॉक करवाने के बाद में आप नया एटीएम कार्ड कैसे ले सकते हैं, कैसे लेना है, सारा कुछ अगली वीडियो में लाइव बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और इससे रिलेटेड कोई सवाल रहे तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।